हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ पास्ट टेंस का थर्ड काइंड, पास्ट परफेक्ट टेंस का सेकंड स्ट्रक्चर, नेगेटिव सेंटेंस फॉर्म। ओके, ये हमारा पार्ट 38 चल रहा है। अगर आपने मेरे पिछले वीडियोज पार्ट 1 से पार्ट 37 तक के वीडियोज को नहीं देखा है तो आप 1 by 1 करके पार्ट वाइज देख लेंगे, ताकि टेंस के बारे में सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होता जाएगा। ओके, अगर आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं, क्लास 12 में पढ़ते हैं, IAISC में पढ़ते हैं, ICOM में पढ़ते हैं, तो आपके लिए वीडियो मैं जो इंग्लिश का बनाता हूं, हर चैप्टर का 2 वीडियो बनाता हूं, एक ऑब्जेक्टिव और दूसरा सब्जेक्टिव। ओके, आप उसको भी देख लेंगे तो आपका इंटर में बहुत अच्छा मार्क्स आ जाएगा। ओके, उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, और पार्ट जो है 37 और कुछ पार्ट का मैं लिंक दे दूंगा, शेयर कर दूंगा, उसको आप देख लेंगे। ओके, अगर आप CBSE बोर्ड के स्टूडेंट हैं या NCERT झारखंड के जो है बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं, यानी क्लास 10 का एग्जाम देने वाले हैं, तो उसका भी वीडियो मैं बनाता हूं, आपको शेयर कर दूंगा, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसमें भी जाके जो है बिहार बोर्ड का सॉरी CBSE या झारखंड बोर्ड के क्लास 12 का क्लास 10th का देख सकते हैं। ओके, वीडियोस देख सकते हैं। ओके, अगर आप JPSC का तैयारी कर रहे हैं या BPSC UPSC का तैयारी कर रहे हैं, या आप CGL या JSSC या किसी भी ग्रुप डी का कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, तो उसका भी मैं वीडियो बनाता हूं, उसका भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप 1 by 1 करके देखते जाएंगे। ओके, तो आज हम लोग इस पार्ट में समझेंगे कि पास्ट टेंस किसको कहा जाता है, पास्ट परफेक्ट टेंस किसको कहा जाता है। ओके, तो हम लोग जो है ये स्पोकन क्लासेस है, दिस इज टोटली स्पोकन इंग्लिश क्लासेस। ओके, हम लोग इंग्लिश कैसे बोलेंगे, हाउ विल वी स्पीक इंग्लिश, ओके, इस पर हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। ओके, हम लोग एक एक पार्ट वाइज हम लोग अगर आप देख लेंगे, पार्ट वाइज देखेंगे सारे वीडियोज को, तो आप इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। ओके, यू विल लर्न टू स्पीक इंग्लिश, ओके, फ्रेंकली विदाउट एनी काइंड ऑफ हेजिटेशन। ओके, तो हम लोग डिस्कस करते हैं, पहले समझते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस किसको कहा जाता है। ओके, द एक्शन इज हैपेंड कंप्लीटली इन द पास्ट टाइम इज कॉल्ड पास्ट परफेक्ट टेंस। मैंने यहाँ शॉर्ट में लिखा है। ओके, जब कोई एक्शन, जब कोई क्रिया, ओके, जब पास्ट समय में, ओके, या जब कोई एक्शन, जब कोई काम पास्ट समय में पूरा होने का काम जो है बोध होता है, ओके, बीते हुए समय में पूरा होने का यानी पूर्ण होने का बोध होता है, तो हम उसे क्या कहते हैं, उसे कहा जाता है, उसे हम कहेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके, और निगेटिव सेंटेंस कहा जाता है जिसमें नहीं हो, ऐसा सेंटेंस जिसमें नहीं का बोध हो, नकारात्मक हो, तो उसको हम लोग निगेटिव सेंटेंस का कहेंगे। ओके, और अगर आप कैसे जानेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस को, कैसे आप पहचानेंगे और उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इसके इजी रूल है, बहुत ही इजी रूल है पहचानने का। ओके, यदि किसी हिंदी सेंटेंस के वर्ब के अंत में, ओके, चुका था, चुके थे, चुकी थी, या था, ये थे, आ था, ई थी लगा रहेगा, तो आप समझ जाएंगे कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। ओके, जैसे मैं आपके लिए 9 सेंटेंसेस लेकर आया हूँ, अगर आप गौर से सारे सेंटेंसेस को देखेंगे तो सब सेंटेंस के अंत में, वर्ब के अंत में चुकी थी या चुका था या ये थे, खेले थे, किया था, ओके, सोचे थे, देखी थी, गया था, चुके थे, ओके, देखे थे, इस तरह का सेंटेंसेस आपको मिलेगा। ओके, इस तरह का जो है वर्ड आपको सेंटेंस के वर्ब के अंत में जुड़ा हुआ दिखेगा, एड किया हुआ दिखेगा, तो आप समझ जाएंगे ये पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। ओके, देखिए हम लोग कैसे इस तरह का सेंटेंसेस को बनाते हैं। इस तरह का सेंटेंसेस अगर आप बोलना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश लाइक दिस सेंटेंसेस, तो इसके लिए आप एक स्ट्रक्चर है, ओके, नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। ओके, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो इस जो अगर यहाँ देखिए नेगेटिव है। ओके, नेगेटिव आप पहचान गए कि नेगेटिव में से नहीं, हर सेंटेंस में नेगेटिव दिखेगा आपको। ओके, हम लोगों के वहाँ पहुँचने के पहले वो भाग चुका था, वह वहाँ भाग नहीं चुका था। ओके, वह वहाँ हम लोगों के वहाँ पहुँचने के पहले वह भाग नहीं चुका था, यहाँ पे नहीं डाल देते हैं क्योंकि हम लोग नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं। ओके, नहीं चुका था, तुम्हारे खेलने से पहले हम लोग क्रिकेट नहीं खेले थे, तो देखिए सब में सेंटेंस आपको मिलेगा, यहाँ पे मिस हुआ था। ओके, राइटिंग में, ओके, तो मैंने तुमसे पहले कभी किसी से प्यार नहीं किया था, ऐसे सेंटेंसेस को आप कैसे बनाएंगे इंग्लिश में। ओके, 1 by 1 हम लोग डिस्कस करते हैं। ओके, तो पॉइंट 1 को देखेंगे, वह अपना काम पूरा नहीं कर चुका था, तो इसमें कौन सा इसको कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हमारा स्ट्रक्चर कह रहा है, इसको बनाने का एक स्ट्रक्चर है। ओके, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ओके, तो हम लोग कैसे बनाएंगे। ओके, तो हम लोग पहले देखते हैं स्ट्रक्चर हमारा कह रहा है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट को पहले बनाएंगे। सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट इसमें सब्जेक्ट कहा जाता है काम करने वाले को, तो इसमें काम करने वाला कौन है, तो वह है। ओके, वह तो ही हो जाएगा आप ही, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद हेड लगाएंगे, तो ही हेड, उसके बाद हमारा स्ट्रक्चर कह रहा है नॉट लगाना है, ही हेड नॉट, ओके, ही हेड नॉट,
ओके, ही हैड नॉट। उसके बाद जो हम लोग लगाएंगे, क्या लगाएंगे, उसके बाद हम लोग लगाएंगे V3। तो भर्व का पांच रूप होता है, आप जानते हैं 5 forms of verb। तो पांच जो फॉर्म से भर्व का तीसरा रूप का यूज करेंगे, ओके। तो यहाँ पे ही हैड नॉट, ओके। और जो है भर्व कौन है, भर्व किसको कहता है, काम करने वाला, जो काम करता है। तो इसमें कौन सा काम कर रहा, वो अपना काम पूरा नहीं कर चुकी थी, यानी पूरा करना, ओके। तो ही हैज नॉट, कंप्लीट होता है, कंप्लीट में से पूरा करना, आप जानते हैं, यू नो वेरी वेल, ओके, कंप्लीट। तो इसमें V3 लगाना है, तो V3 में ED लग जाता है, यानी D सिर्फ लग जाता है। तो ही हैड नॉट कंप्लीटेड, और अपना काम सब्जेक्ट के अनुसार हिज का प्रयोग करेंगे, ओके, हिज वर्क। उसके बाद हम लोग क्या लगाएंगे, उसके बाद फुल स्टॉप। अगर यहाँ पे सी होता तो यहाँ पे हर होता, याद रखेंगे, ओके। इस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा कि कैसे सब्जेक्ट के अनुसार जो ऑब्जेक्ट बदलता है, यहाँ पे देखेंगे ऑब्जेक्टिव कैसे बदलता है, ओके। हम लोगों के वहाँ पहुँचने के पहले वो भाग नहीं चुका था, तो इसमें दो सेंटेंस है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दो सेंटेंस है, एक हो रहा है, पहले हो चुका है, दूसरा नहीं हुआ, ओके। तो हम लोगों के वहाँ पहुँचने के पहले वो भाग नहीं चुका था, तो जो काम पहले हुआ है, ओके, उसी को हम लोग पहले पहुंचाएंगे, बनाएंगे, ओके। तो वो भाग नहीं चुका था, यानी इसको हम लोग पहले बनाएंगे, इस सेंटेंस को पहले बनाएंगे जिसमें चुका था, चुके थे लगा रहता है, ओके। तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, तो वो भाग नहीं चुका था, ही हैड नॉट, और भागना का होता फ्लेड अवे, फ्लू अवे होता है, तो फ्लेड हो जाएगा, इसमें V3 हम लोग लगा रहे, फ्लेड अवे, ही हैड नॉट फ्लेड अवे, ओके। और हम लोगों के वहाँ पहुँचने के बिफोर वी रीच देयर, ओके। हम लोगों के वहाँ पहुँचने के पहले वो भाग नहीं चुका था, ही हैड नॉट फ्लेड अवे बिफोर वी रीच देयर, इस तरह का, बिफोर वी रीच देयर, यहाँ पे पहला में जो है हम लोग जिसमें चुका था लगा रहेगा, जो काम हो चुका है उसमें हम लोग हेड का लगाएंगे, यानी भर ये पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे, किसका, पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे, और इसमें जो है बाद वाले में बिफोर के बाद जो आता है, ओके, उसमें हम लोग पास्ट जो है बात करते हैं, हम लोग पास्ट इनडिफिनिट, यानी पास्ट सिंपल पास्ट, ओके, यानी सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। आप मेरे पार्ट जो है 25 को देखेंगे, ओके, वीडियो मेरा पार्ट जो है 25 को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, आप समझ जाएंगे कि सिंपल पास्ट किसको कहा जाता है। तो पहला इस तरह का सेंटेंसेस रहेगा, तो जिसमें चुका था, चुकी थी लगा रहेगा, तो उसको आप पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे, ओके। और दूसरा जो सेंटेंस बच जाता है, ओके, दूसरा सेंटेंस जो बच जाता है, तो दूसरा सेंटेंस में आप जो है पास्ट सिंपल पास्ट आप कह सकते हैं, सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इनडिफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे। तो हम लोग क्या लगाएंगे, यहाँ इस पहले वाला में क्या लगाए, चुका था में लगा दिए, ही हैड नॉट फ्लेड अवे बिफोर वी, और बिफोर लगा दिए, यहाँ तक अवे तक लगाए, उसके बिफोर, और इसमें हम लोग किसका यूज़ करेंगे, पास्ट सिंपल पास्ट टेंस का, ओके। तो वी रीच्ड हो जाएगा और देयर, ओके, बहुत आप समझ रहे हैं, ओके, कैसे बनाएंगे इसको, नेक्स्ट देखते हैं। इसको आप जो है पेन पेपर लेके आप इसको जो है नोट डाउन करते जाइएगा, ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ओके, रोक के पॉज करके आप देखिएगा, तो आप इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे, ओके। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। तुम्हारे खेलने से पहले हम लोग क्रिकेट नहीं खेले थे, तो इसमें जो है जिसमें थे लगा हुआ है, जो काम हो चुका है, नहीं खेलने का काम हुआ है, तो यहाँ पे जो है एक्शन नहीं खेलने का काम हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग क्रिकेट नहीं खेल चुके थे, इसको बनाएंगे पहले, ओके, उसके बाद उसको बनाएंगे दूसरा सेंटेंस को। तो यहाँ दो सेंटेंस है, एक तुम्हारे खेलने से पहले, दो भर्वे भी दो है, अलग है, ओके, इसका यूज़ किया गया, तो हम लोग क्रिकेट नहीं खेले थे, तो कैसे बनेगा, वी हैड नॉट प्लेड क्रिकेट, क्या होगा, वी हैड नॉट प्लेड क्रिकेट, ओके। उसके बाद पहले का इंग्लिश लगाएंगे आप बिफोर, ओके, बिफोर, और तुम्हारे खेलने से पहले, बिफोर तुम्हारे पहले खेलने से पहले, तो इसमें किसका यूज़ करेंगे, उसमें सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करेंगे, तो बिफोर सब्जेक्ट के बाद V2 लगा देंगे, बिफोर यू, और खेलना होता प्लेड, ओके। ऐसा नहीं, इसमें भी इसमें हेड लगाएंगे और इसमें भी हेड लगाएंगे, ऐसा नहीं कीजिएगा, ओके। इसमें आप जो है फर्स्ट वन जिसके साथ चुका था, चुकी थी लगा रहेगा, उसके साथ आप जो है पास्ट परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट का यूज़ करेंगे, ओके। और अगर आप निगेटिव बना रहे हैं तो, ओके। और दूसरा जो सेंटेंस होगा बिफोर के बाद जो है आप जो है सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करेंगे या पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करेंगे, ओके, बिफोर यू प्लेड, ओके, समझ रहे हैं।
नेक्स्ट देखिए, मैंने तुमसे पहले कभी किसी से प्यार नहीं किया था, इसको कैसे बनाएंगे? ऐसा अक्सर सेंटेंसेस बोलते हैं हम लोग, ओके तो इसको कैसे बनाएंगे हम लोग इस पर डिटेल से बात करते हैं, ओके तो इसमें सब्जेक्ट, पहले आपको सब्जेक्ट देखना होगा, ओके सब्जेक्ट कौन है? मैंने तो इससे तुमसे पहले कभी किसी से प्यार नहीं किया था, तो इसमें सब्जेक्ट कौन है? काम करने वाला, प्यार करने वाला कौन है? तो मैंने है, तो मैंने को इंग्लिश में आई कहा जाता है, क्या कहा जाता है इसको यहाँ बना रहे हैं आई, ओके और कब यहाँ पे जो है हेड का आई हेड हेड लगा देते हैं, हेड लगाएंगे, हमारा स्ट्रक्चर कह रहा है सब्जेक्ट के बाद हेड लगाना, आई हेड, ओके और देखिए यहाँ पे कभी और नहीं, कभी नहीं रहेगा, अगर नॉट है यहाँ पे नॉट लगेगा, ओके अगर आप इंग्लिश में बोलना चाहते हैं कभी नहीं, ओके कभी नहीं होगा तो नेवर का यूज़ करेंगे, किसका? नेवर का यूज़ करेंगे, और सिर्फ नहीं रहेगा तो नॉट का यूज़ करेंगे, ओके जैसे मैं वहाँ नहीं गया था, आई हैड नेवर, मैं दिल्ली नहीं गया था, आई हैड नेवर बिन टू, मैं दिल्ली कभी नहीं गया था, आई हैड नेवर बिन टू दिल्ली, मैं दिल्ली नहीं गया था, आई हैड नॉट बिन टू दिल्ली, इस तरह बनाएंगे, ओके तो नेवर रहेगा, कभी नहीं का यूज़ होगा, तो इसमें कभी नहीं का यूज़ किया गया, ओके तो तुम्हारा सॉरी यहाँ पे मैंने तुमसे पहले कभी किसी से प्यार नहीं किया था, आई हैड नेवर, ओके नेवर का यूज़ करेंगे, कभी नहीं है इसलिए, अगर सिर्फ नहीं रहता तो नॉट का यूज़ करते, ओके यहाँ पे नॉट का यूज़ करते, आई हैड नेवर, ओके और उसके बाद वर्ब, वर्ब कौन है? वर्ब है प्यार करना, ओके क्या है? प्यार करना, आई हैड नेवर लव्ड, लव होता है V1, ओके इसमें D लगा देंगे, आई हैड नेवर लव्ड और किसी से anyone, क्या लगाएंगे आप? anyone मतलब किसी से, क्या हो जाएगा? किसी से anyone, anyone, आई हैड नेवर लव्ड anyone, ओके और तुमसे पहले बिफोर यू, ओके तो इसमें जो है बिफोर यू होगा, इसमें जो है आगे कोई इसमें वर्ब नहीं है इसलिए बिफोर यू होगा, मैंने तुमसे पहले कभी किसी से प्यार नहीं किया था, आई हैड नेवर लव्ड एनीवन बिफोर यू, इस तरह का इंग्लिश बनाएंगे, ओके नेक्स्ट देखिए, हम लोगों ने इससे पहले आपके बारे में कभी नहीं सोचे थे, हम लोग आपके बारे में कभी नहीं सोचे थे इससे पहले, ओके तो इसको कैसे बनाएंगे? वी यहाँ भी इसमें भी कभी नहीं है तो नेवर का यूज होगा, वी हैड नेवर, ओके और सोचना का होता है थाउट, थिंक होता है तो थाउट होता है, इसका तीसरा रूप लगा रहे हैं अब भीतरी यूज़ कर रहे हैं, ओके वी हैड नेवर थाउट, ओके आपके बारे में बिफोर जो है अबाउट यू, बिफोर अबाउट यू तो आपके बारे में और पहले का इंग्लिश, इससे पहले का इंग्लिश बिफोर, ओके वी हैड नेवर थाउट अबाउट यू बिफोर, हम लोगों ने आपके वीडियोस को कभी नहीं देखा था, तो वी हैड नेवर वॉच्ड योर वीडियोस बिफोर, इस तरह का बनाएंगे, ओके मैंने आपके चैनल को कभी सब्सक्राइब नहीं किया था, तो आई हैड नेवर इससे पहले कभी नहीं किया था, तो आई हैड नेवर सब्सक्राइब्ड योर चैनल बिफोर, ओके इस तरह का बनाएंगे, तो आप समझ रहे हैं कि इंग्लिश में कैसे बनाया जाता है, आप बहुत अच्छा से आप देखते रहिए मेरे सारे वीडियोज़ को, कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा और आप इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे, ओके हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, मैंने तुम्हारी जैसी लड़की अपने जीवन में कभी नहीं देखी थी, तो इसको कैसे बनाएंगे? ओके वर्ब के अंत में चुका था, चुकी थी, या था, ये थी है, ओके तो इसको हम कैसे बनाएंगे? मैंने, तो यहाँ पे सब्जेक्ट है मैंने, आई, उसके बाद हेड लगाना, आई हेड, उसके बाद कभी नहीं, इसमें भी नहीं, नेवर का यूज़ करेंगे, नेवर का इसलिए मैं लेके आ रहा हूँ ताकि कभी आप कन्फ्यूज़ आपका नहीं होना चाहिए, आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना चाहिए कि नोट आप बना देंगे फिर आप जो है आपका सेंटेंस बदल जाएगा, मीनिंग बदल जाएगा, अगर आप कभी नहीं करना चाहते तो नेवर का यूज़ करेंगे किसी भी सेंटेंस में, किसी भी टेंस में आप अगर यूज़ कर रहे हैं तो, आई हैड नेवर, ओके उसके बाद वर्ब लगाएंगे, वर्ब कौन है? देखना, देखी थी, आई हैड नेवर सीन, से देखना होता है, सीन लगाएंगे, आई हैड नेवर सीन और तुम्हारी जैसी लड़की, ओके तुम्हारी जैसी लड़की कभी नहीं देखी थी, आई हैड नेवर सीन अ गर्ल लाइक यू, गर्ल लगाएंगे, गर्ल लाइक LIKE लाइक यू मतलब तुम्हारी जैसी, ओके यहाँ पे लाइक में से पसंद करना होता है लेकिन यहाँ लाइक में से जैसा, ओके तो आई हैड नेवर सीन ए गर्ल लाइक यू, ओके और अपनी ज़िंदगी में, ओके अपनी ज़िंदगी में, अपने जीवन में, तो इसको इन माई लाइफ, यहाँ सब्जेक्ट है आई, इसलिए इसका ऑब्जेक्टिव केस में हम लोग इसको जो है ऑब्जेक्टिव में पॉजिटिव केस को कहा जाता है, ओके तो यहाँ पे माई हो जाएगा, ओके तो माई लाइफ। नेक्स्ट देखिए, मैं आपके लिए जो है छोड़ रहा हूँ 3 सेंटेंसेस छोड़ रहा हूँ, इसको आप बना लेंगे, वह अपने जीवन में इससे पहले ही दिल्ली कभी नहीं गया था, इस पर भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कैसे सेंटेंसेस को, तो मैं दिल्ली गया था, ओके मैं दिल्ली गया था को इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? अब आई हैड गॉन टू दिल्ली नहीं बनाएंगे, आई हैड बीन टू दिल्ली, याद रखेंगे
मैं दिल्ली गया था, वह गोड्डा गया था, ही हैड बीन टू गोड्डा, ओके। हम लोग मुंबई गए थे, वी हैड बीन टू मुंबई, ओके। अगर कहें कि वह दिल्ली नहीं गया था, ही हैड नॉट बीन टू दिल्ली, क्या बनाएंगे? ही, वह दिल्ली नहीं गया था, ही हैड नॉट बीन टू दिल्ली, ओके। ही हैड नॉट बीन टू दिल्ली, मैं मुंबई कभी नहीं गया था, आई हैड नेवर लगाएंगे, नेवर बीन टू मुंबई, याद रखेंगे इस तरह का सेंटेंसेस बनाएंगे, कभी जाने की बात आएगी तो इसी तरह बनाएंगे, ओके। वह जो है पटना नहीं गया था, ही हैड नॉट बीन टू पटना, वो पटना कभी नहीं गया था, ही हैड नेवर बीन टू पटना, इस तरह का। तो मैं आपके लिए 3 सेंटेंसेस छोड़ रहा हूँ, वो अपने जीवन में इससे पहले दिल्ली कभी नहीं गया था, ओके। मेरे आने से पहले वे लोग अपना काम पूरा नहीं कर चुके थे, हम लोगों ने इससे पहले आपके जैसे आदमी को अपने जीवन में कभी नहीं देखा था, देखे थे। तो इस तरह का सेंटेंसेस को आप कैसे बनाएंगे, इसको ज़रूर बना के कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, अगर मैं आपको समझा रहा हूँ, अगर आप समझ रहे हैं तो इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ओके। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ओके। दोस्तों को शेयर कीजिएगा, अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, ओके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।